स्वागत है आप सब लोगों का इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल उपकरण, उसका नाम है पॉली डिस्क प्लाउ या पॉली डिस्क हैरो। क्योंकि ये जो उपकरण है ये हैरो का भी काम करेगा और प्लाउ का भी काम करेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो उपकरण में 7 डिस्क लगे हुए हैं और ये 3-पॉइंट लिंकेज का उपकरण है, जहाँ पर टॉप लिंक यहाँ लगता है, लोअर लिंक दोनों यहाँ लगते हैं। डिस्क की अगर बात करें तो हर एक डिस्क जो है वो 26 इंच के डाया के बने हुए हैं। ये उपकरण कारगर होता है जहाँ पर मिट्टी के अंदर खरपतवार ज़्यादा है या पथरीला ज़मीन है। तो जहाँ खरपतवार ज़्यादा है तो ये एक तो 6 इंच से 8 इंच तक मिट्टी को ज़मीन नीचे से काटेगा, फिर खरपतवार को भी उसी के साथ ही साथ काटेगा, फिर मिट्टी को पलटाएगा। जब खरपतवार सूरज की रोशनी में ऊपर गिर जाएंगे तो वो वहीं मर जाएंगे और कुछ दिनों में ये खाद में तब्दील भी हो जाएंगे। तो आइए इस उपकरण को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। जो हर डिस्क के साथ आप एक देख सकते हो डिस्क रैपर भी लगा हुआ है, क्योंकि जब आप चिपकीली मिट्टी या मिट्टी में नमी ज़्यादा है वहाँ काम कर रहे हैं तो मिट्टी डिस्क के साथ चिपकने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ये डिस्क रैपर सुनिश्चित करता है कि वो सारी मिट्टी को नीचे गिराते रहेगा। पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये फरोवेल की सुविधा दी है, ताकि जब ये प्लाव कल्टीवेशन करते हुए ज़मीन में चल रहा है तो वो सीधी लाइन में बनी रहे। तो ये साइड से आने वाली सारी ड्राफ्ट को अरेस्ट करता है। इसके साथ इस फरो व्हील की यहाँ एक सेटिंग भी दिया हुआ है स्प्रिंग के साथ। जब ये बोल्ट को आप टाइट करते हो तो फरो व्हील हल्का सा ऊपर आने लगेगा, मतलब डिस्क की जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ेगा, और जब आप इस बोल्ट को लूज़ करते हो तो फरो व्हील नीचे की तरफ जाएगा और पेनिट्रेशन थोड़ा कम होने लगेगा। ज़रूरत के अनुसार डिस्क की पेनिट्रेशन की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये होता है कि फरो व्हील को 1/2 इंच डिस्क की डेप्थ से ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि जो साइड ड्राफ्ट आता है उसको ये अरेस्ट करते हुए चलेगा और प्लाउ सीधी लाइन में कल्टीवेशन करते हुए काम करेगा।